गोटे भाव एठार उपस्थित थिबा सन ए मोर सिटी काम अछि हम था एठार उपस्थित थिबा मोर शिक्षक शिक्षयित्री मानक मोर प्रणाम एवं आजिर जहार जन्मदिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू को मोर प्रणाम एठार उपस्थित थिबा मोर छोट छोट भाई भौनी माने मोर अत्यंत स्नेह एवं शुभेच्छा एवं मोर सहपाठी सहपाठी वृंद एठार आम कहीं आज उपस्थित होचे यह आम समस्त जना एवं शिक्षक शिक्षयित्री माने भी आहापर कहे एवं केतेक छात्र छात्री माने मत ए विषय किसी कह सुजोग मिलथिबार मु निजक अत्यंत धन्यवाद करूछि। मु प्रथमे किसी प्रकृत कथा विषय जी पार्थिव जीवन में जन्म एवं मृत्यु दुईटा चिरंतन सत्य जो मान जन्म लाभ कर मृत्यु सुनिश्चित से शास्त्र अच्छी देवता हेले भी मरई जो देवता मानव रूप से धराधर्म जन्मग्रहण करमानकर मृत्युवरण करानव भगवान का आशीर्वाद नहीं कि जन्मग्रहण करें दिन के मरी किंतु निजर कर्म एवं साधना बल कालजयी होती कालजयी अर्थात कालजयी अर्थात से तो मृत्युवरण तो निश्चिंत करेंगे जन्म अच्छी मानते मृत्यु अच्छी मृत्युवरण तो निश्चिंत करेंगे कि जन्म और मृत्यु दिवस को रीतिनीति अनुसार धराधर्म पालन करा जाए। सही परी भारत रे गुरु दिवस एवं शिशु दिवस केतक यार उदाहरण गुरु दिवस जेपरी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्मदिवस पालित करा जाए सही परी शिशु दिवस रे पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस पालित करा जाए। मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू का पारिवारिक संपर्क किसी कह पंडित जवाहरलाल नेहरू 1899 मसीह नवंबर मस 14 तारीख दिन जन्मग्रहण करते पिता थे मोतीलाल नेहरू से जड़े बारिस्टर थे सभ्रांत पर जवाहरलाल नेहरू आल्लाहाबाद आनंद भवन में जन्मग्रहण करते माता थे स्वरपाराणी जवाहरलाल नेहरू 15 वर्ष बयस घर शिक्षा समाप्त पर जाते इंग्लैंड जाते गमन करते इंग्लैंड से बारिस्टरी होते पिता जड़े पिता जन वकिल तो थे सी जन वकिल थे से 1916 मसीह कमला नेहरू को विवाह करते ब्राह्मण कमला नेहरू थे ब्राह्मण ब्राह्मण जी थी से कमला नेहरू को विवाह करते 1917 मसीह कमला नेहरू 1917 मसीह जवाहरलाल नेहरू का गोटे कन्या संतान जन्म होता जहाँ नाम था इंदिरा प्रकृत नाम था प्रियदर्शिनी इंदिरा इंदिरा नेहरू किंतु कौन सी कारणवशतः से इंदिरा गांधी रूप से परिचित होते इंदिरा गांधी महिला प्रधानमंत्री प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे। मुझे जवाहरलाल नेहरू कौन राजनीति सम्बन्ध में किसी कह 1918 मसीह जवाहरलाल नेहरू राजनीति में पदार्पण करते जवाहरलाल नेहरू प्रथमे 1921 एवं 1922 रे जेल जाइथिले जवाहरलाल नेहरू एमदी केते थर जेल जाइचंदी 1929 रे से लाहोर ठारे लाठी पारर मध्य शिकार होइथिले 1929 रे से कांग्रेस रो सभापति बा संपादक होइथिले 1936 आउ 37 रे से जातीय कांग्रेस रो सभापति संपादक भाबे परिचित होइथिले 1936 रे एक अभावनीय घटना घटी जाइथिला स्त्री कमला नेहरू जेकि मृत्युवरण करते पूर्व 1928 गोटे पुत्र संतान जन्म होता से कि 1928 सेप्टेम्बर जन्म होते किंतु से मसे भितर मरी जाते एबे मुझे भी जवाहरलाल नेहरू शिशुंर अत्यंत प्रिय थे से जवाहरलाल नेहरू शिशुं सहित जड़ित जवाहरलाल नेहरू को किसी कहानीटा कह जवाहरलाल नेहरू शिशु सहित जड़ित अनेक कहानी शुनी फास्ट तो है गोटे गोलाप नामक कन्या को गोलाप से शिशु को अत्यंत भल पाते आ गोटे कारण थी जे से जो मानने हत्या करने को चाहून से गोटे कारण थी अलग कथा जवाहरलाल नेहरू गोलाप नामक कन्या को
ଯେତେବେଳେ ଧକ୍କା ଗଲେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ପକେଟ୍ରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ସବୁବେଳେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗା ଗଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିଲେ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ବୋଲି। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହ ଗପମେଳ କଲେ ମୋର ସମସ୍ତ ସକଳ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଏଇଟା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କହିଥିଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହ ଗପ କଲେ ମୋର ସକଳ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯାଏ ଏବଂ ମୁଁ ଭୁଲିଯାଏ ମୋର ବାଧ୍ୟକ ଏବଂ ମୁଁ ଭୁଲିଯାଏ ମୋର ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭୁଲିଯାଇ ଆସି ପୃଥିବୀ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କଲେ। ଏଠାରେ ଅଫିସ କାମ ହେଲା 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ପରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବହୁତ କାମ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତ ବହୁତ କାମ, ସେତେବେଳେ ସେ ପିଲାମାନେ ସେହି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଗପ ବିଳାସ କଲାବେଳୁ ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ବାହାରି ଆସି ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀରେ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ସେ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବନ ଅରଣ୍ୟ